दो महीने के बाद विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में और इसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और विकास की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है अगर विकास नहीं होगा तो गांव में गांव वाले वोट नहीं देंगे। मेरे साथ गंगलेर पंचायत के भी ग्रामीण हैं, आज ये भी इकट्ठा हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। उनकी क्या समस्या है, क्या समस्या आती है गाँव में? सर समस्या ये है कि सर अब चुनाव पहुंच रहा है, चुनाव के नजदीकी होते हुए नजदीक आ गए हैं, अभी हमको वोट देना है तो फिर हमको पोलिंग बूथ तक जाना है, सुविधा रहेगा? सरकार की ओर से सुविधा नहीं देंगे तब पर हम वोट कैसे देंगे? ये समस्या ये कि रोड नहीं है आज तक का, वोट देने आओ बोलते हैं सरकार तो इसके लिए रोड का समस्या है, तो तभी पब्लिक अंदरूनी इलाका से पोलिंग बूथ तक पहुँचेगा। इसके चलते हुए भी ये भी हमारा बहुत दिक्कत होता है सर। बड़ी मांग आपके रोड की है, रोड बनना चाहिए जी, रोड और बाकी ऐसी जगह है जहाँ मेरे पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव में कई जगह लाइट नहीं है, बस हमारे पंचायत में दो ही गांव में लाइट है, एक तुंगा वांगू एक सिंदूरगुड़ा, पूरा पंचायत तो खाली है, उसको लाइट जोड़ना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हाईवे सड़क से तो ज्यादा दूर की बात नहीं है गंगलेर पंचायत, वहाँ के ग्रामीण भी मेरे पीछे सबके सब हैं, वहाँ के भी वही अपील करते हैं कि मेरे गाँव में आज तक सड़क क्यों नहीं आ रहा, ये समस्या है वहाँ का। वहाँ जितना भी सरपंच को हम लोग कई बार अपील किए, वैसी ग्राम सभा भी आज तक सरपंच नहीं करता है जी। सचिव आता है? सचिव आता है, जो है कि जहाँ रोड जगह है वहीं पर आएंगे, बाकी अंदर तक नहीं जा रहा। आपका क्या नाम है? पुनम रोहित। क्या समस्या आप उसी? सबसे बड़ी परेशानी तो है हमारी ग्राम पुलामपल्ली है, हमको सबसे बड़ी परेशानी रोड की है परेशानी, जैसे डिलीवरी होने की संभव समय आ जाती है तो हॉस्पिटल लेके जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, ऐसे ऐसे में तो डिलीवरी होने की संभावना में रह कर भी बच्चे का मौत हो जाता है रोड की ठीक नहीं है वजह से, और हाईवे रोड से लेकर 2 किलोमीटर दूरी तक करंट की खंबा भी नहीं खींचा गया, ये सबसे बड़ी हमारी परेशानी। और गाँव में गली रोड भी नहीं है, ऐसे गाँव में पानी की दिक्कत, नल डेबरी ये सब हैंड पम्प हम बहुत जरूरी है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है विकास होगा तो वोट देंगे, अगर वोट दे लेना है तो सरकार को सड़कें बनानी थी, लेकिन आने वाले 2 महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने को है और लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। जिस तरह से दावा कर रही है अंदरूनी इलाकों में विकास को लेकर, धरातल पर ये सब झूठे साबित हो रहे हैं। इस वक्त मैं किशाराम के जंगल में हूँ और इस आसपास के इलाके के बड़ी संख्या के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और अपनी समस्या को लेकर परेशान हैं। लगातार शिकायत करने के बाद भी पंचायत के जिम्मेदार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण एकजुट होकर प्रशासन और पंचायत के प्रतिनिधियों की पोल खोल रहे हैं। मैं इस वक्त किश्ताराम में हूँ और ग्रामीण परेशान है, सड़क स्कूल शिक्षा को लेकर उनकी समस्याएं बनी हुई हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं, क्या क्या समस्या है? आप कहाँ से हैं? आप ग्राम भट्टीगुड़ा सर। क्या समस्या? पोस्ट गोला पहले सर, हमारे यहाँ रोड नहीं है सर, गांव बीच में है सर, नाला में पुलिया कुछ नहीं बना है सर, अभी अस्पताल कहीं जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है सर, डिलीवर केस कुछ होने से इमरजेंसी ले जाने के लिए भी बहुत दिक्कत है सर। कैसे करते हो आप? अभी वो नाला रहने से वहीं गांव में ऐसे औरत मन ऐसे डिलीवर करते सर, नाला रहने से अभी कहाँ वहाँ पार होंगे सर, वही दिक्कत है सर हमको, रोड नहीं है सर। तो कभी शिकायत की है किसी को, बोले पंचायत के सरपंच सचिव को भी? सरपंच को भी बताए सर, बताए लेकिन वो रोड बनेगा बोल के बता रहे लेकिन अभी तक नहीं बना रहे सर। नहीं बन रहा जी। और क्या समस्या गाँव में? अभी वही समस्या है सर, रोड नहीं जी, अभी बड़ी मुख्य समस्या वही है सर अपने गांव में स्वास्थ्य की समस्या बड़ी समस्या है, सड़कें नहीं होने के कारण ग्रामीण मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपको क्या नाम है? गरम पुनम सना साहब बुरुमपार से बात करते सर, किश्ताराम पंचायत सर, नाला कुछ है, स्कूल नहीं सर, नाली नहीं सर, टैंकी नहीं है, कुछ नहीं सर घर में जी। सरपंच सचिव को नहीं बोले? बोले सर, उसको बोले सर, बोल तक गए, उसका काम ही नहीं चलता है सर, उसमें गांव में जाता है वैसे देख के आता है, फिर वैसे आता है सर जी। जी आपका क्या नाम है? विट्टी देवा सर, ये गांव सर, एक ही गांव। समस्या है, गांव में सड़क शिक्षा को लेकर ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं, लोग अभी जागरूक जरूर हो रहे हैं, सड़क की मांग करते लगातार आ रहे हैं,
लेकिन पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो किसी तरह की ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।